नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बहस गरम है। बहस गरम आज से आप 5:30 बजे मेरे साथ देखेंगे। अभी तक 6:30 बजे आप मेरे से जुड़ते थे, लेकिन शाम 5:30 बजे आज के बाद रोज बहस गरम आप देखेंगे। लेकिन मैं बहस गरम करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, आम जनता से। पर आज मेरी बहस होगी इन स्टूडेंट के साथ, इन बच्चों के साथ, जिनमें से कुछ पहली बार वोट करने वाले हैं, कुछ पहली बार कर चुके होंगे और कुछ तैयारी में होंगे। वर्तमान सरकार की बात करें, केंद्र की, राज्य की, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं और कांग्रेस भी उसी तैयारी में लगी है। लेकिन बच्चों के मन में क्या है, इन स्टूडेंट के मन में क्या है, तो आज इन्हीं से सीधी बहस होगी। और पहला सवाल आपसे, सरकार जो है वर्तमान में वो कैसा काम कर रही है? अच्छा ही काम कर रही हैं, जो चाहिए वो देती हैं, सब कर रही हैं, राशन वगैरह जो भी है सब आ जाता है। ठीक हो रहा है काम, संतुष्ट हैं आप लोग? जी। आपको क्या लगता कि सरकार ठीक काम कर रही है? जी, थोड़ा बहुत कमियां हैं। जैसे कि सरकार सीएम हेल्पलाइन चला रही है तो उसका एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं रख पा रही है कि इतने महीने आपकी शिकायत अगर नहीं पूर्ण हो पा रही है तो उसको एक उच्च लेवल के अधिकारी तक प्रेषित किया जाए। क्योंकि मैंने खुद अपनी एक शिकायत दर्ज कराई है, उसको अभी लगभग 11 महीने कम्प्लीट हो चुके हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, लेकिन क्या बदलाव हुए हैं, इन बदलाव से आप कितना संतुष्ट हैं? आने जो वर्षों में सरकारों के दावे होते, कांग्रेस ठीक काम करती है, भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। जैसा कि अभी भाई बता रहे थे कि मतलब जो सीएम हेल्पलाइन के बारे में उन्होंने बताया, तो हो सकता है आपकी शिकायत करने में तरीके में कमी रही होगी या त्रुटि हुई होगी। क्योंकि हम लोग के जिस कस्बे से हम लोग हैं, मतलब जिस शहर से, रीवा से, वहाँ तो अक्सर ही कुछ ना कुछ समस्याएँ चलती रहती हैं। तो सीएम हेल्पलाइन का तो बहुत सही रिव्यू जा रहा है, कुछ कोई भी विभाग हो तो सीएम हेल्पलाइन नंबर मतलब अगर आप डायल करते हैं तो बहुत ज़्यादा सही मदद होती है। और भाजपा का मतलब देखा जाए तो मैं तो अपना अगर अपना मतलब व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो भाजपा हम लोग एकदम, मेरे घर में मैं और मेरे पिताजी भाजपावादी हैं, फुल एकदम। हाँ, पूरे भाजपावादी आप? हाँ जी। तो हम लोग तो मतलब पॉजिटिव ही देखते हैं उसमें, जो कुछ भी, और नेगेटिव देखने के लिए कुछ है भी नहीं, देखते ही नहीं है, है ही नहीं उसमें भाजपा सरकार में। क्यों नहीं है? लोग तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई, ये सब, ये नेगेटिव तो है? तो डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। हाँ। तो समय बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। जी, परिवारवाद है उसमें। किसमें? कांग्रेस में परिवारवाद। तो फिर किसके साथ जाएंगे, परिवारवाद के साथ या फिर बीजेपी या कांग्रेस, किसके साथ? बीजेपी ऑलवेज, सबका साथ सबका विकास, हमेशा बीजेपी। बीजेपी समझा के पहुँचाए वहाँ से कि बीजेपी के लिए बोल रहे? नहीं सर, मैं वोट भी हमेशा बीजेपी को ही देती हूँ। क्यों देती हैं बीजेपी को वोट, क्या है? यानी बीजेपी जो सरकार है ना, उससे यानी बहुत फायदे हैं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं आगे, और यानी गरीब फैमिली को भी बहुत सी फैसिलिटी देते हैं वो लोग, इसलिए तो मेरा मानना तो ये हमेशा ऑलवेज बीजेपी। लेकिन कांग्रेस कहती है हमने भी बहुत कुछ किया 70 सालों में। सब कुछ झूठ, उसने सिर्फ लूटा है बस और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ लूटा है और कुछ नहीं किया। अपनी फैमिली को बीजेपी है ना, उसने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जैसे सीखो कमाओ योजना भी है जो सीएम सर ने हमारी लॉन्च करी है हमारे युवाओं के लिए। तो ये सारे जो नई नई पॉलिसी हैं जो यूथ के लिए बेनिफिशियल हैं और जो आगे यंग इंडिया के लिए बेनिफिशियल हैं, तो वो सारी पॉलिसीज ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी ने लॉन्च करी है। कांग्रेसी वाला कोई भी नहीं है? नहीं, अपने हिसाब से सभी सरकार सभी है भाजपा, क्योंकि इस समय भाजपा बहुत विकास कर रही है, बच्चों के स्कूल, हर चीज विकास कर रही भाजपा। इसीलिए हमारे घर के भाजपा वाले हैं, हम भी भाजपा में। हाँ, देखिए अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो डेमोक्रेटिक देश है, मेरे तो अभी भी इलेक्ट्रोल रोल, अभी भी मेरा वोटर आईडी कार्ड बना है। तो अगर अपन इससे देखें किसने कितना काम करा है एज पर द रोल, तो अगर व्यापक घोटाला और सारे ईवी वगैरह सब हटाए तो बीजेपी ने काम करा है। अभी से लेकर अगर अपन पूरे 15 ईयर्स का भी देख लें, 2015 tenure टू राइट नाउ 2023 tenure, अभी तक कितना काम हुआ है उस हिसाब से देखिए तो फिर बीजेपी इज़ अ गुड चॉइस एमपी के लिए। 2023 में एमपी का वो भी रहेगा इलेक्शन, तो अब ये तो किसी को बताना नहीं सकते, और अपन ऐसे किसी का वो भी नहीं कर सकते कि बीजेपी को देंगे या फिर दोगे, इट्स अ पर्सनल प्राइवेट राइट। वोट हमारा राइट है, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल वोट आपका राइट है, लेकिन आपको क्या मतलब बीजेपी कांग्रेस में क्या फर्क पाती? देखिए फर्क एक पूरे देश के लिए लड़ रहे, एक पूरे नेशन के लिए कर रहे काम, पूरे विश्व में अपना नाम कर रहे। दूसरा जो है सिर्फ और सिर्फ पर अ फैमिली, फॉर फैमिली, फॉर माय फैमिली, फॉर माय पीपल। ये कांग्रेस के लिए कह रहे हैं आप? यस, आई एम सेइंग फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए बोल रही हूँ मैं ये। मतलब वो परिवारवाद है उसमें? है, बिल्कुल है।
पहले के जो सरकार थी वो सोचते थे कि क्या था, कैसे देश को चलाया जाए, कैसे भी चला दिया जाए, लेकिन नहीं, ये जो क्या है बीजेपी की गवर्नमेंट है ये सोचती है कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कितनी क्या डेवलपिंग नेशन बनाया जाए, कितनी मॉडर्नाइजेशन की जाए, इनको पूरा पता होता है कि हाँ इनको क्या है देश को, युवाओं को, सबको लेके कैसे चला जाए। मतलब वर्तमान सरकार ने सबको जोड़ा है। आपको आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम करता है, बीजेपी काम ठीक करती है या कांग्रेस ठीक काम करती है? बीजेपी। क्या फर्क देखते दोनों में? बहुत कुछ फर्क देखा है, मतलब है ना उनने इतने सारी योजनाएं निकाली हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, और क्या कहते हैं बहनों के लिए, भांजियों के लिए, भांजों के लिए बहुत कुछ किया है, इस वजह से बीजेपी। आप क्या मानती हैं? बीजेपी में पारदर्शिता को लेके बहुत जागरूकता बढ़ी है, और पारदर्शिता से चीज़ें होती हैं तो समाज संतुष्ट होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है। और राहुल गांधी और मोदी में बात करें तो फिर? राहुल गांधी और मोदी में बात की जाए तो वो अपनी जगह सही है, पर एक देश कैसा होना चाहिए और देश का भविष्य एक नेता के ऊपर टिका होता है कि आज जो वो योजनाएं नीतियां लागू करेंगे वो आगे जाके हमें क्या लाभ देती हैं, तो वो आज के समय से हमें देखना चाहिए, तो मोदी जी इज़ बेस्ट। इलेक्शन किन मुद्दों पर होना चाहिए? हम देखते कि कभी हिंदुत्व की बात हो जाती है, ये सब चीज़ें आती, क्या ये आना चाहिए? नहीं, इलेक्शन में कभी समाज को लेकर, जाति धर्म को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, और जो कि बीजेपी है इन चीज़ों को से बहुत परे है, और बहुत सारे फैसले बीजेपी के बहुत अच्छे हुए हैं, और बीजेपी सरकार एक नेतृत्व में काम करती है, मोदी जी के नेतृत्व को पूरी सरकार मानती है, पूरा भारत उनके साथ रहता है, उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है। और यहाँ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास एक लीडर ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई ऐसा है तो लीडर राहुल गांधी है ना, उनका कुछ कंफर्म नहीं रहता सर। मैंने भी उनके सांसद में, सभा में कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें वो खुद अट्रैक्टिव नहीं, मतलब एक्टिव नहीं हो रहते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते लोगों, एक्टिव नहीं रह पाते। आप कभी किसी सभा में, आपको आपको क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी एक्टिव नहीं है? बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वो जब चुनाव जब आता है, जो वो साल भर तक चिल्लाते हैं, वो जब चुनाव आता है तो वो लोगों से वो बातें क्यों नहीं कह पाते हैं, वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, वो बस पक्ष विपक्ष में ही रह जाते हैं। मोदी पहुंचा देते हैं? बिल्कुल, वो लोगों से, वो लोगों के जो जो प्रॉब्लम है उसको जमीनी स्तर से उठा के उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो वो ऑफकोर्स लोगों से जुड़े रहते हैं। आपको क्या लग रहा है सरकार कौन सी होना चाहिए, कौन सा ठीक काम करते? देखिए मैं एक मीडिया की स्टूडेंट हूँ, हाँ। तो मैं तो प्रॉपर कोई एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं, मैं यही चाह रहा। बट यही है कि एक तरह कांग्रेस भी सही है, एक तरह बीजेपी भी सही है, बट कोई भी हम एक फैमिली बनाते हैं तो हमें आपसी गठबंधन होना पहले सबसे ज़रूरी, मतलब वो होता है हमारे लिए। लेकिन जब कांग्रेस में खुद ही आपस में ही हमारा सम्मान नहीं है, आपस में ही एकजुट मेल नहीं है, कांग्रेस के कुछ पार्टी कुछ और बोलते हैं, कुछ और कहते हैं, बट बीजेपी में जो है वो संगठन एक है, तो इसलिए वो उसकी सत्ता चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि वही संगठन की वजह से आगे भी बीजेपी का सरकार चलेगा, और आगे भी आने वाले समय में मुझे यही लगता है कि बीजेपी है वही भारत को आगे ले जा सकता है। ये सही कह रही हैं जी, ये काफ़ी हद तक तो सही कह रही हैं, क्योंकि मैं भी एक मीडिया का छात्र हूँ, तो मैं बता दूं कि बीजेपी ने जो काम किया है वो एक जोड़ने का काम किया है, जनता के बीच में आके काम किया है, चाहे वो योजनाएं हो, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लाडली बहना योजना हो, सीखो कमाओ योजना हो, ये सबको जनता के बीच में लेके आए और वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, उनको लाभ भी दिलवाया। कांग्रेस कहती है कि इवेंट बनाकर छोड़ देती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस इवेंट बना के छोड़ देती, कांग्रेस ऐसा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट ज़्यादा करती है, जब उनके अंदर ही एकता नहीं है, जब उनके अंदर ही अंदर कलह है। अभी दो तीन साल पहले जब कांग्रेस सरकार आई थी, उनके बीच में ही लोगों ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में आ गए, जब उनमें एकता नहीं है तो देश क्या और प्रदेश का चलाएंगे। जो बीजेपी में एकता है वो मेरे ख्याल से कांग्रेस में नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं सब मेरे साथ सब काम कर रहे हैं, नो सर वो एक दिखावा है, राहुल गांधी के सर के साथ कोई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में सबको इकट्ठा तो कर लिया, भीड़ इकट्ठा करना अलग बात होती है और सबका साथ पाना अलग बात होती है। अच्छा आप लोग एक एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए, किसके साथ जाएंगे, मोदी के राहुल के? मोदी जी, मोदी, मोदी जी ऑलवेज, मोदी जी, मोदी, 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 ऑप्शन ही नहीं सर, मोदी, ऑप्शन ही नहीं, मोदी, निस्वार्थ भावना के साथ नरेंद्र मोदी, मोदी जी, ऑफकोर्स मोदी। तो ये मेरे साथ तमाम स्टूडेंट हैं जिनसे मैं बात कर रहा था, और बात जाकर मोदी पर ठहर जाती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 23 और 24 में चेहरा भी मोदी का सामने रखना चाहते हैं।
ये सिर्फ एक बानगी है। मेरे साथ और भी स्टूडेंट है बहस गर्म में, उनसे मैं बात करूंगा। कौन सी सरकार होना चाहिए, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी? ये काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। वैसे तो बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये जो मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शन आपके सामने ही दिख रहा है, चंद्रयान 3 का सक्सेस होना, 2 के बाद, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का अगर चंद्रयान 2 हमारा नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ से लास्ट स्टेज में कामयाब नहीं हो पा रहा, उसके बाद जो मोदी जी का समर्पण है देश के प्रति, तो वो काफ़ी हद तक अच्छा है। अभी मन की बात भी चल रही है यहाँ पर रविंद्र भवन में, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ बच्चे सीख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और यहाँ पर भी हमको जो लेकिन राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है। अब वो मेहनत किस चीज़ में कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार में अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पे कि छात्रों को कुछ सिखाया जाए, छात्रों को कुछ बनाया जाए, काबिल बनाया जाए। अब मुख्यमंत्री जी की एक सीखो कमाओ योजना उन्होंने लॉन्च करी बीजेपी की सरकार में, उनकी सरकार में मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करी गई थी। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ठीक काम करते हैं या प्रधानमंत्री मोदी? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी वैसे सही काम करते हैं, जैसे अपन 9 साल देख रहे हैं तो अपना टेक्नोलॉजी के युग में अभी आ रहे हैं, जैसे अनुराग ठाकुर जी जो आए थे वो अपने मिनिस्टर हैं, टेक्नोलॉजी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, और जैसे आज अपन कैमरे से लाइव टेलीकास्टिंग कर सकते हैं, फ़ोन में चीज़ें देख सकते हैं कहीं भी कभी भी, ये सिर्फ मोदी जी आने के बाद से, जब 4G 5G आया, आज अनुराग ठाकुर जी ने भी यही बात कही कि 5G आया, तो ये मोदी जी का। और रही बात राहुल गांधी जी की, वे अपनी जगह पे सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, तो उन्होंने किसानों के पास जाते हैं, वो लोकल लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं वे अभी, पर वे अभी उनको समय लगेगा। जैसे मोदी जी कर चुके हैं, जैसे CM रह चुके हैं, उन्हें 5 बार CM रहने का अनुभव है, और भी पदों पर रह चुके हैं, वो ज़मीन से उठ के आए हैं, और जो राहुल गांधी जी हैं वे भी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, सरकार वो होती है जो अपने हित में करे, जो अपने हित में करेगी वही है सरकार। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सही है वो सही है, जो अपने हित में बोलता है वो सही है, जो अपने लिए करता है वो सही है। किसी को नीचा या किसी को ऊपर दिखाना सही बात नहीं है, पर मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, क्या क्या दिखता है, कांग्रेस में भविष्य ठीक है या भारतीय जनता पार्टी? मेरे को तो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा लग रहा है कि वो आगे कुछ कर सकती है, बाकी कांग्रेस से अभी कोई मेरे को आगे आसार नहीं रखते कि वो कुछ अच्छा कर पाएगी। अभी लाडली बहना योजना चला तो कांग्रेस वालों ने कॉपी करके अपना एक और निकाल दिया, उनका ऐसा है कि अगर वो पार्टी जीतती है तो लड़कियों के खाते में 1,000-2,000 रुपये आएंगे, ये किसी को पता नहीं है। कई तो क्या क्या 1,000-2,000 रुपये आएंगे, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ठीक लग रही? नहीं, फिर कई काम कर रहे हैं वो, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कई चीज़ें कर रहे हैं, योजनाएं खोल रहे हैं, हम पढ़ने के लिए आगे कर रहे हैं प्रोसेस, कई चीज़ें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ठीक है? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, हमारे स्टूडेंट के हिसाब से भी, और हमारे जितने भी बदलाव हो रहे हैं हमारे MP में और पूरे इंडिया में जितने बदलाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, और उन योजनाओं को हमारी जो देश के युवा हैं, अभी उन्हें स्टार्टअप इंडिया, इन सब सब भी हमारे देश के युवाओं को रोज़गार प्रदान किया है, और अभी हमारे CM जी शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमाओ योजना स्टार्ट करी। तो सरकार किसकी बनाएंगे इस बार? निश्चित ही आज इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास के साथ पूरे देश में काम कर रहे हैं, और ऐसा पूरा दुनिया में एक परचम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लहराया है, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं एक युवा हूँ और मुझे उमंग है कि मेरे प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आना चाहिए, क्योंकि उन्हें चारों तरफ मध्य प्रदेश में विकास की लहर। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने एक युवाओं में जो उम्मीद युवा खो चुके थे वो उम्मीद जगा दी है कि युवा आगे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और देश को अनेक ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। क्या आपको लगता है कांग्रेस बेहतर है या भारतीय जनता पार्टी? सर ऐसे तो दोनों पार्टीज़ के बारे में ऐसे बोलना उचित नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से मोदी जी की सरकार जो डिफरेंट स्कीम्स बना रही हैं और जो प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रही हैं, मतलब जैसे यंगस्टर्स को ही सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना एक अर्निंग भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारी स्कीम्स जिसमें यंगस्टर्स को जोड़ा गया है, तो मेरे हिसाब से BJP की जो सरकार है वो सारे मतलब एक निजी वर्ग के लोगों के लिए भी काम कर रही है, यंगस्टर्स के लिए भी। लेकिन लोग कांग्रेस कहती है वो सिर्फ दिखावा करती है, दम नहीं है,
अब सर दिखावे की बात है तो अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस भी थोड़ा बहुत करे कुछ, थोड़ा बहुत वो भी दिखावा करे, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा तो बीजेपी ही है, क्योंकि बीजेपी देखिए जैसे अभी वृद्ध लोगों के लिए भी बीजेपी सरकार ने एक यात्रा जो सब चारों धामों की जो यात्रा वो बीजेपी कर रही है, हाँ एक उनके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, लाडली बहना योजना उन्होंने घरेलू महिलाओं के लिए भी शुरू किया है। मैं बीजेपी के नेता से बात कर रहा हूँ। अच्छा क्या फ़र्क है राहुल गांधी और मोदी में, क्या फ़र्क है? सर उनमें ये फ़र्क है कि मोदी जी हमारे लिए जो काम करते हैं उनका काम करने का तरीका अलग है, और दूसरी चीज़ कि राहुल जी का काम करने, मैंने राहुल जी का जो काम हुआ है वो अभी तक मुझे अच्छे से पता भी नहीं, लेकिन अगर मुझसे बात की जाए मोदी जी की तो मुझे उनके काम के बारे में बहुत सी नॉलेज भी है। वो मोहब्बत की दुकान लगाई थी, अभी निकले थे, वो कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं, तो मोदी ठीक है या राहुल? सर वैसे तो दोनों ही यूथ आइकन हैं और दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अभी जिस समय में हम लोग यंग हुए हैं और पॉलिटिक्स को समझना स्टार्ट किया है तब से बीजेपी की ही सरकार रही है, तो मोदी जी को ही ज़्यादा आगे बढ़ते देखा है सर, तो अभी तो मोदी जी ही बेटर लग रहे हैं। किसके, राहुल ठीक है या प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी ऑलवेज, हमेशा तो उनके जैसा कोई आज तक दिखा ही नहीं मेरे को, मतलब उनके आने से 9 सालों में इतने चेंजेस आ गए हैं। आई विल ऑलवेज वोट फॉर मोदी। मैं भी सिर्फ हमेशा मोदी जी को ही सपोर्ट करती हूँ, मेरे घर में सारे कांग्रेस वाले, लेकिन मेरे भैया और मैं हमेशा मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं। आपके घर में कौन है, कांग्रेस बीजेपी? सर मेरे घर में तो सारे कांग्रेस ही हैं, लेकिन मुझे एक पॉइंट ये लगता है कि जब से जैसे इन्होंने कहा है, जब से हम लोग बड़े हुए हैं और हमने मोदी जी को ही और हमने बीजेपी की सरकार देखी, मतलब हम मेरे हिसाब से शायद मैंने कांग्रेस को तो कभी लीड करते हुए देखा नहीं है, जब से हम ये पार्टीज और ये पॉलिटिक्स समझने लगे हैं तो उनके काम करने का तरीका हमें बहुत सारे बदलाव दिखे हैं जो उन्होंने किए हैं, तो हमारे हिसाब से तो जितना हम समझ पाए हैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है ये वाली सरकार अब जो 2023 में और 24 में। सरकार मोदी जी की बननी चाहिए क्योंकि मोदी जी के रहने से बहुत सारे विकास हुए हैं देश में, हमने भी देखे हैं, हमारे मम्मी पापा भी बहुत मानते हैं उनको और हम यही चाहेंगे कि मोदी जी ही आए, मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी की बनना चाहिए, लोग कह रहे हैं नहीं, हमने जो मोदी जी के थ्रू विकास देखे उनके विकास को देख के हमें लगता है कि मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। क्या विकास देख लिया मोदी जी में? बहुत सारे विकास देखे जो कांग्रेस के रहते नहीं देखने को मिले थे, महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही आगे किया जा रहा है मोदी जी की सरकार द्वारा, और चांद पे पहुँच गए, अब तो और क्या ही विकास चाहिए। तो चांद पे पहुँच गए इसलिए फिर से मोदी जी चमकेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे विकास किए हैं। नहीं सर, उन्होंने जो कहा था, जैसे आपको बताया 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उन्होंने अपनी जो बुक अभी लॉन्च की है उस बुक में भी उन्होंने लिखा है जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है, तो हमें लगता है कि जो व्यक्ति कहता है और वो करता है तो उसकी हम साथ देना चाहिए। बुक को देख के टाइटल ही है उसका, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उस टाइटल ही है बुक का। टाइटल तो बहुत देते हैं नेता लोग, टाइटल अब तो टाइटल से काम हो जाता है क्या? नहीं सर, उनने किया है ना साहब, जितने टाइम से है सरकार उनके उस टाइम से अगर देखा जाए तो बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुआ है हर चीज़ों में। और राहुल गांधी और मोदी में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मोदी जी का बोलना अलग ही होता है कि वो बोलते हैं और वो करते हैं, राहुल गांधी जी कभी बोल ही देते हैं, बस बोलते ही हैं वो। क्या ऐसा है? जैसे मेरे सहपाठी ने कहा है कि राहुल गांधी और मोदी जी की, आपने पूछा है जो क्वेश्चन, उसमें ये डिफरेंस है कि जो व्यक्ति करके दिखा दिया देता है उसको ही हमारा साथ देना चाहिए हमको, क्योंकि वो व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है और उसे कर रहा है तो उसमें वो हिम्मत है, वो उसी जज्बे से कह रहा है ताकि वो करके दिखाएगा फ्यूचर में जाकर, इसलिए। और ऐसा नहीं कि कहते हैं करते भी हैं वो चीज़, जैसे कुछ जो भी बोलते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। बात हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस कहती कि फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उन्होंने, तो आप मानते हैं ऐसा होता कि? सर तो पर देखा जाए कांग्रेस के टाइम पे इतने बम विस्फोट वगैरह हुए तो वो फिर कांग्रेस बोल सकते हैं कांग्रेस ने करवाया होगा, वो भी ये भी बोल सकते हैं जैसे ताजा अटैक हो गया। क्या बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि सर्जिकल स्ट्राइक इवेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान बनाना चाहती, किया कुछ नहीं है, आप क्या मानते हैं? जो अच्छा काम करते हैं उसके पीछे मतलब उसकी बुराई करने वाले और उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको मालूम होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा ही के साथ अच्छा ही अच्छा होता जाता है, और अब आने वाले समय में भी मोदी जी की ही सरकार आएगी। नहीं तो आप लोग किसको वोट करेंगे? हम तो मोदी जी को ही करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा काम करके दिखाया है। कौन सा काम कर दिया? जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है उसमें लाडली बहना योजना हुई है, तो जो भी सीखो कमाओ योजना है उसका योजना उन्होंने बनाई है, उसके थ्रू
बहुत फायदा हुआ है। कमाओ क्या है, आप क्या समझ पा रहे हैं? सीखो कमाओ योजना मतलब आप आओ, हम आपको सिखाएंगे और फिर वही आपको रोजगार भी प्रदान करेगा। सिखाया जा रहा है कि कागजों पर चल रहा है? जी सिखाया भी जा रहा है या सिर्फ कहा जा रहा है? नहीं, सिखाया जा रहा है, बिल्कुल सिखाया जा रहा है, जी सिखाया जा रहा है। सीख गए आप लोग बताइए? अभी हम लोग गए नहीं है, हम लोग ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वरना हम वहीं जाते। सीखो कमाओ करने, हमारी एडमिशन के बाद वो शुरू हुआ है। हमारे पापा तो वही कहते हैं कि वहीं जाना चाहिए था, तो मैं पैसे भी मिलते, काम भी मिलता, अच्छे से सीखने को मिलता, पर पहले कॉलेज में एडमिशन हो गया हमारा। सर जो उन्होंने ये योजना लागू की है उससे ये है कि अगर व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मीडिया में भी जाना चाहता है, अगर वो फील्ड पर ही नहीं जाएगा तो वो वर्क कैसे करेगा, तो उसी को सिखाने के साथ साथ वो पैसे भी दे रहे हैं ताकि क्या वो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े और वो सीखे भी उस चीज़ को और अपने आप को ग्रो कर सके। इस अच्छा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकानें लगाते हैं, तो मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत है या मोदी जी की? सर मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत नहीं है, दुकान की तो सबसे पहले ज़रूरत नहीं है। वो पकवान बाज़ार में चलते हैं जिसमें खुशबू होती है या स्वाद होता है, तो कोई सा भी ऐसा पकवान जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे दिल को तृप्त कर दे, वही पकवान हम खाना चाहेंगे। तो वो पकवान कौन सा है? वो पकवान जैसे कि अभी सरकार से रिलेट करें तो वो बीजेपी का ही लगता है मुझे। अच्छा ये चुनाव होंगे तो क्या मोदी के ऊपर हो जाएंगे? नहीं नहीं, काम के ऊपर होंगे, जो उन्होंने करके दिखाए, उन्होंने जो करा है, जैसा काम कर रही है उसके ऊपर ही होंगे चुनाव। अब उसे मोदी जी के लिए थोड़ी होंगे, मोदी जी के नाम पर होंगे कि शिवराज के नाम पर? दोनों के नाम पे होंगे, भाजपा के लिए होंगे, मोदी शिवराज सिंह, हमें भाजपा चाहिए। मेरा यह मानना है काम चाहिए, जो काम हुआ है उसकी वजह से जो हुआ है वही चाहिए, अब भाजपा ने किया है तो वो आएगी वापस। वो कहते 70 साल में हमने बहुत काम कर दिया। कौन कहते हैं सर? कांग्रेस कहती 70 साल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब तो हुए। हाँ वो आपका कहना सही है, वो कहती है, लेकिन अगर वो दिखता तो जैसे मोदी जी के राज में दिख रहा है तो हम मान लेते उस चीज़ को, लेकिन दिखा नहीं है हमको। वो दिखा नहीं पाए जो करें। हाँ, नहीं वो करा, होता तो दिखता है ना सर। अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक फूल है, वो दिख ही नहीं रहा है, तो वो है ही नहीं ना, उसका मतलब है ही नहीं, है ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं किया होगा वो उनके राज में थोड़ा बहुत, लेकिन जो अभी 10 साल में हुआ है 2014 के बाद जब मोदी जी आए, उससे कंपेयर करें तो मोदी जी ने काफी ज्यादा किया है। एक लाइन में बता दीजिए फिर वोट डालेंगे आप इस बार? सब लोग वोटर हैं आप, किसको वोट करेंगे? मोदी जी, बीजेपी, बीजेपी, मोदी जी, ऑलवेज बीजेपी, ऑलवेज बीजेपी। फूल कमल का। चलिए ये वो स्टूडेंट है जो कुछ पहली बार वोट करेंगे, कुछ कर चुके हैं, लेकिन इनके मन में क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं, पर मैंने हर एक सवाल करने का इनसे प्रयास किया। राहुल गांधी का सवाल भी है, कांग्रेस की सरकारों का सवाल है, 70 साल की बात होती उसका सवाल भी है, और मोदी की बात तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं के सवाल उल्टे हैं, इन्हीं के जवाब है उसमें, कुछ मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। लेकिन बहस गरम ये होती रहेगी इसलिए क्योंकि बात चल पड़ी है मोदी वर्सेस राहुल की, और चुनाव 23 का भी है और 24 का भी। बहस गरम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसली पर। नमस्कार।